हमीरपुर में खाद की किल्लत से अन्नदाता परेशान है। मुस्करा विकास खंड की समितियों में भीड़ लगी हुई है। किसानों को खाद के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं समिति प्रभारी किसानों को दबंगाई दिखा रहे हैं। खाद देने के लिए जमा किए गए कागजात समिति प्रभारी ने बाहर फेंक दिए। किसानों को ना तो खाद मिल पा रहा है और ना ही कागजात। खाद के लिए आए, कल खाद के लिए कह रहे थे कि कल देंगे, इंतखाब को आधार कार्ड दोनों जमा करा लिए थे, फिर कल नहीं दी। वे जब कागज ये बाहर डले, पूरे कागज फेंक दिए कर्मचारियों ने। यहाँ खाद के लाने आए थे कल से, जमा भी कर रहे थे, खत्म नहीं, आज उन्हें फेंक दिया बाहर। क्या फेंक दिए हैं? क्या पता, बार बार मचा रहे, आदमी दे रहे, आदमी दे रहे, फेंक दिया, ये लीडर ही सब फेंक दिए कर्मचारियों खतौनी। आज कब जमा की थी? कल, कल समिति में, सहकारी समिति में खाद लेने, मुस्करा में, मुस्करा। तो क्या हुआ, खाद नहीं मिल रही? कल भी आए थे, कल पूरा दिन यही खड़े रहे, लाइन पे लगाए रहे, खाद नहीं दी और कागज फेंक दिए सब। कहाँ फेंक दिए? बाहर मैं आए खाद समिति में। तो क्या हुआ, मिली नहीं खाद? नहीं मिली, दो दिन हो गए परेशान हूँ। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कल मिलेगी, आज मिलेगी, और रात में 8 बजे मेरे सामने खाद निकाली। कितने टाइम? 8 बजे। किसको दी थी? एक को दी थी, का को गारवाड़ी के इनको अब फट कर दी थी। रात में बिकती रही है, ब्लैक में? 8 बजे ले माटी, 8:30 बजे। कितने रुपए में? 21 तारीख 1350 की दी है। तो सरकारी रेट पे दिए? हाँ। जो रात को दी है वो कितने? 8 बजे से 8:30 बजे, 8 बजे दिए, 8:30 बजे के टाइम। कागज फेंके हुए हैं? कागज इन लोगों ने फेंक दिए सवेरे। क्यों? 22 तारीख। क्यों खाद नहीं मिलेगी? नेशन मिरर के लिए हमीरपुर से स्वर्णेश कुमार की रिपोर्ट।